मोक्ष पाने की मंजिल हो हमारे नजर के सामने, तो उस मोक्ष को पाने के लिए हमारे साधनदाता सर्वज्ञसी चक्रधर प्रभु जी की आज्ञा के अनुसार हमें केवल और केवल ईश्वर की ही भक्ति करनी पड़ेगी। क्योंकि ब्रह्म विद्या का सिद्धांत ये है, जीवों की देवताओं की भक्ति करने से आपको सांसारिक सुख पदार्थ वैभव भोग विलास सब मिल जाएगा, किंतु मोक्ष नहीं मिल पाएगा। अगर आपने मोक्ष पाना है जो कि इस जयकृष्णी पंथ का परम उद्दिष्ट है, परम लक्ष्य है। हम जयकृष्णी क्यों बनते हैं? हम कृष्ण जी के भक्त हैं, इसलिए जयकृष्णी हम कहलाते हैं। कई जगह सुनने में आता है, एक भजन है राधा के बिना श्याम आधा। और जब हम ब्रह्म विद्या पढ़ते हैं तो ब्रह्म विद्या ये कहती है कि जो पूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर है वो पूर्ण है, वो आधा नहीं है। वो किसी के बिना आधा हो नहीं सकता, उसके बिना सारे आधे हैं। जिसके जीवन में परमेश्वर नहीं है वो अधूरा है, परमेश्वर किसी के बिना अधूरा नहीं है। अतः अगर हमें मोक्ष का पता हो कि मोक्ष क्या चीज है, हमारा शास्त्र हमारा ज्ञान ये बताता है कि जहां पर जाने के बाद हमें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। क्योंकि जन्म हम लेते हैं तो हमें मरना भी पड़ता है, ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में जन्म होता है। इसका नाम मृत्यु लोक इसलिए है क्योंकि यहां पे जो भी जन्म लेता है वो मरे बगैर रहता नहीं है। कोई भी अजर नहीं है, अमर नहीं है, शाश्वत नहीं है, यहां आने के बाद जाना जरूर है। तो वो जो जन्म लेना और मरना है वो जहां जाकर खत्म होता है उसका नाम है मोक्ष। और उस मोक्ष को पाना ये जयकृष्णी धर्म का परम सिद्धांत है, परम लक्ष्य है, परम उद्देश्य है। और उस उद्देश्य को पाने के लिए हमें केवल और केवल परमेश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। परमेश्वर के स्वरूप के बारे में बतलाया है कि वो केवल 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 का मतलब जिसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। आज हम संसार में रहते हैं, जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ दूषित है। हमारा खान पान दूषित है, हमारा आचार दूषित है, हमारे विचार दूषित है, हमारा वायुमंडल दूषित है, हम जो पानी पीते हैं वो भी दूषित है, सब कुछ दूषित है। तो हम दूषित हैं, जीव कैसा है? विचारों से, आचारों से, सभी प्रकार से दूषित है। लेकिन परमात्मा कैसे है? मेरा गला खराब है। परमात्मा है केवल, मिलावट परमात्मा कैसे है? केवल। और उस केवल को हम प्राप्त कर पाएंगे, मोक्ष को पा सकेंगे। इसीलिए परमेश्वर की भक्ति करते हुए हम ध्यान ये रखते हैं कि हमारे से परमेश्वर की जगह पर यानी उपासना करने के स्थान पर हम जो भाव अपनी अपनी भक्ति ईश्वर को अर्पण करते हैं उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट ना हो। अब आते हैं राधा जी की ओर। किसी भी शास्त्र में किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि राधा ईश्वर का अवतार, किसी भी ग्रंथ में नहीं है। अब ये राधा कहां से आ गई? राधा का वजूद क्या है? राधा थी भी या नहीं थी ये अलग विषय है। लेकिन जहां तक हम सुनते हैं राधा थी, गोपी थी। अब कभी ये सोचो श्री कृष्ण परमात्मा गोकुल में जब निवास करते थे तो वहां पे उन्होंने सभी लीलाएं बाल लीलाएं की, बाल लीलाएं की।
अब जब गोकुल का त्याग किया, कंस को मारने के लिए मथुरा की ओर प्रयाण किया, तब भगवान की आयु 11 साल 9 महीने 18 दिन थी, यानी 12 साल के अंदर ही थे, 12 साल के अंदर ही थे। और राधा कौन थी? आजकल हम फिल्मों में देखते हैं, वो धारावाहिकों में देखते हैं कि राधा को भी छोटी सी बता दिया। आजकल वो एक भजन बड़ा चला हुआ है राधा का, कौन सा भजन है राधा जी का, बड़ा उसके ऊपर नाचते गाते हैं लोग। तो उसमें ये दिखाया कि राधा भी छोटी सी है, लल्ला सी है, लेकिन राधा एक बहुत बड़ी औरत थी। नहीं, तो राधा एक औरत थी, गोपी थी, लेकिन ईश्वर की श्री मूर्ति, ईश्वर की लीला इतनी आकर्षित करती थी सभीयों को, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बूढ़ी हो, चाहे वो बालक हो, चाहे वो बालिका हो, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, इतना ही नहीं, जिनमें जान नहीं है वो भी परमेश्वर की ओर आकर्षित होते थे। तो जैसे ही कन्हैया की मुरली बजती थी, सारी गोपियां अपना काम धंधा छोड़कर जमुना के किनारे हाजिर हो जाती थी। उस बंसी में ऐसी कसक थी, ऐसा आकर्षण था, ऐसा खिंचाव था कि कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाता था। जो जिस काम को जहां कर रही थी, उसी काम को वहीं छोड़ के भगवान की ओर भागती थी। कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उसी अवस्था में भाग पड़ती, कोई नहा रही है वो उसी अवस्था में भाग पड़ती, कोई रोटी पका रही है वो उसी अवस्था में भाग पड़ती। तो ऐसा वो आकर्षण था। और जब कन्हैया जी ने गोकुल का त्याग किया, तो 12 साल की अवस्था में त्याग किया, 12 साल में विकार होता है, बताओ 12 साल में कोई विकार नहीं होता। विकार का मतलब विषय वासना, और किसी विषय वासना से कोई स्त्री, कोई गोपी ईश्वर की ओर भागी नहीं जाती थी। वो जो प्रेम है, उस प्रेम को कोई भी नाम हम दे नहीं सकते। वो प्रेम क्या है, ईश्वर को जाने बिना वो प्रेम हम समझ नहीं सकते। तो राधा भी वो प्रेम ईश्वर से करती थी, लेकिन राधा आप जैसी हमारे जैसी जीव थी। अब आप भी ईश्वर से प्रेम करते हो, यहाँ पे अभी मैंने देखा क्या जबरदस्त वहां पे भजन गाए जा रहे थे, पूरा अपना जोर लगा लगा के भगवान जी को पुकारा जा रहा था। तो यही ललक, यही भावना उस राधा की रही होगी, शायद आपसे कुछ ज्यादा रही होगी, इसलिए ज्यादा फेमस होगी। लेकिन अगर आप ईश्वर के भक्त हो, कल को मैं आपकी उपासना करना शुरू कर दूं तो मुझे मोक्ष थोड़ी मिलने वाला है, क्योंकि मिलावट हो गई। हमने तो केवल और केवल ईश्वर की भक्ति करनी है, ईश्वर की उपासना करनी है, क्योंकि हमने जन्म मरण के चक्र को छुड़ाने वाला मोक्ष प्राप्त करना है, दोबारा यहाँ नहीं आना। क्योंकि जन्म का मतलब है सुख और मरण का मतलब है दुख। सुख दुख का चक्र समाप्त जहाँ हो जाता है, वहाँ आनंद शुरू हो जाता है, और वो आनंद परमानंद मोक्ष की अवस्था में हमें प्राप्त होता है, कैवल्य की अवस्था में प्राप्त होता है। वह कैवल्य प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर की ही भक्ति करनी पड़ती है। इसलिए हम जय कृष्णी राधा को भक्ति के रूप में नहीं, उसको एक भक्त के रूप में देखेंगे, उसको हम हमारे धर्म भगिनी के रूप में देखेंगे। ईश्वर के साथ ज्यादा प्यार था इसलिए हम उसको माँ के भी रूप में देख सकते हैं, लेकिन भक्त ईश्वर के रूप में नहीं देखेंगे, हम उसकी भक्ति नहीं कर सकते। अगर कोई राधा की भक्ति कर रहा है तो वो ईश्वर के सिद्धांतों को, ईश्वर के शास्त्र को झुठला रहा है और अपनी मिश्र भक्ति अर्पण कर रहा है। तो मिश्र भक्ति के जो फल है वो भी मिलावट वाले होते हैं, वो फिर कुछ समय के लिए मिलते हैं। जैसे हम पिक्चर देखने के लिए 3 घंटे का समय लेके वहाँ हॉल में जाते हैं, वो शो खत्म हो जाता है तो हमें भाग के इधर आना पड़ता है, हमें भगा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है वहाँ से। वही हाल है जीव और देवताओं की भक्ति करने से। देवताओं की भक्ति करने से कुछ समय के लिए आपको सुख मिलेगा, फिर दोबारा यहाँ आना पड़ेगा। जीवों की भक्ति करने से आपको यहाँ सांसारिक सुख, वैभव, यश,
मान सम्मान मिलेगा, ऊपर का कुछ नहीं मिलेगा। तो हमने ये सब नहीं प्राप्त करना, हमने तो भोगों का त्याग करना है। त्याग करके ईश्वर को अपना समर्पित जीवन, अपना समर्पित भाव, अपनी भक्ति ईश्वर को अर्पण करनी है, इसलिए क्योंकि हमने मोक्ष पाना है। अगर आपको मोक्ष समझ में आता है तो आप केवल ईश्वर की ही भक्ति करेंगे, अगर आपको मोक्ष नहीं समझ आता तो आप अज्ञानी हैं, आप जीव देवताओं की भक्ति करेंगे, और जीव देवताओं की भक्ति करने से जन्म मरण का चक्र छूट नहीं सकता। मिल गया उत्तर? धन्यवाद।